नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बात कर लेते हैं यूपी की। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर योजना पर शुरुआती समय में सभी राजनेताओं ने जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी, जिसके चलते देश भर में कई जगह अग्निवीर का विरोध देखने को मिला। ऐसे में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन के सरकार में आने पर अग्निवीर योजना समाप्त करने की बात कही और यह आशंका भी जताई कि भाजपा पुलिस के साथ भी यही करने जा रही है। इस बार चुनाव की अलग परिस्थितियां हैं। एक तरफ बताते हैं जो संविधान को खत्म करना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ संविधान को बचाना चाहती हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को मीरापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी के समर्थन में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि जो 2014 में आए थे वे 2024 में चले जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक ओर संविधान की रक्षक परियां हैं, तो दूसरी ओर संविधान के भक्षक मैदान में हैं। उन्होंने आगे कहा, जिन विधायकों को आपने जिताया था वह मोटे पैकेज में बिक गए। एक पार्टी घोड़े की ढाई चाल में चित हो गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों ने एक साल से अधिक धरना दिया, हजार से अधिक किसानों की जान गई। चुनाव करीब आए तो घबरा कर भाजपा ने किसानों के विरोधी 3 काले कानून वापस ले लिए। वह 400 सीट जीतने की बात करते हैं तो काले कानून लागू होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि गेहूं का भंडारण हो गया है, वह सरकारी भंडारण की बात नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए एकत्र किए गए गेहूं की बात करते हैं। यह सरकार दबाव बना रही है लेकिन आपकी फसलों का वाजिब दाम नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि भाजपा इंडी कहती है, जो लोग इंडिया का नाम नहीं ले सकते, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। अखिलेश ने कहा, लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर रही। सीमा पर देश को सुरक्षित रखने वाली फौज को खत्म कर अग्निवीर जैसी योजना लागू कर दी है, जिससे नौजवान हताश हैं। उनके गठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने आशंका यह भी जताई कि कहीं भाजपा अगला हमला पुलिस पर न कर दे और पुलिस को सिर्फ 3 साल के लिए ही भर्ती करे। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने ऐसा चंदा नहीं वसूला, ऐसे उद्योगों ने चंदा दिया जो मुनाफा नहीं कमाते। कुछ उद्योगों से 1000 करोड़ से अधिक का भी चंदा ले लिया गया है। यहाँ तक कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया, इसलिए हमने वह वैक्सीन नहीं लगवाई। अखिलेश ने कहा कि 10 साल में 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की। वह जब मुजफ्फरनगर में आए थे उस समय पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी। सरकार यह दावा कर रही थी कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने से सरकारी नौकरी की लाइन में खड़े नौजवानों को निराशा मिली है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरी न देनी पड़े इसलिए पुलिस भर्ती का पेपर लीक कर दिया गया। 60,00,000 युवाओं ने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था। एक युवा से परिवार के 3 सदस्य जुड़े हैं। भर्ती न होने से 1,80,00,000 लोगों को निराशा मिली है। सपा मुखिया ने कहा कि 80 लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों को बांट दिया जाए तो एक क्षेत्र में 2,25,000 लोग नाराज हैं, जो भाजपा को हराने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पुलिस के लोग समझदार हैं, लोगों को अपराधियों से बचने के लिए डायल 100 की व्यवस्था दी थी लेकिन उसका नंबर 112 कर दिया गया। नंबर बढ़ गया तो अब शायद वसूली भी बढ़ गई होगी। पहले पुलिस जनता से वसूलती थी, अब पुलिस से भी पैसा वसूला जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने रुपया मांगने पर आत्महत्या कर ली। उन्होंने जनता से कहा कि जिन विधायकों को आपने जिताकर भेजा है उन्हें कितना पैकेज मिला जो छोड़कर चले गए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी लूट और इतना झूठ हमने कभी नहीं देखा, 10 साल के बाद भी घबराए हुए हैं। यदि 400 सीट जीत रहे होते तो दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना न पड़ता। आज परिवर्तन की हवा चल पड़ी है। पीडीए परिवार मिलकर बिजनौर में दीपक सैनी को जीत दिलाएगा और मुजफ्फरनगर से भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ।